Welcome students, today we will continue with the first chapter, that is the nature and the significance of management. In the last session we have already covered the top, bottom and the middle level of management. So you will be easily be able to differentiate between the three levels of management, that is by going through on the page number 7. And today we will continue on page number 8, that is functions of management. It is said that the management is process. Management jo hai ek process hai kyunki usme various activities ya various functions perform hote hain jo chronological order mein kiye jate hain for the accomplishment of the objectives. Jo bhi sare objectives business ke hain usko achieve karne ke liye aapko वेरियस फंक्शंस करने पड़ते हैं और जो फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं वो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं. उनका ऑर्डर जो है उसके बारे में या जो वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ फील्ड ऑफ नॉलेज. उसको एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी या फील्ड ऑफ नॉलेज बोला गया है मैनेजमेंट को, इसलिए उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है कि जो वेरियस फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो अलग अलग थिंकर्स ने अपने तरीके से डिफरेंट वे में मेंशन किया है. दैट यू कैन क्लियरली सी ऑन दिस पेज नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज स्टेटेड बाय the functions according to Kruznet. Donnell, then according to Kruznet Donnell, it is planning, organizing, staffing, directing and controlling. According to Henry Fayol, it is planning, organizing, direction, coordination, controlling. Then according to Peter Drucker, it is managing a business, managing the managers and managing your workers, men and the work. Then according to Luther Gulick, it is planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting and budgeting. The first function of the management is planning. Even God cannot change the past, but man can change the future. मतलब कि आप past को change नहीं कर सकते हैं, but future को change कर सकते हैं. कैसे change कर सकते हैं? Planning करके. अगर आपने present में planning किया, अच्छे से plan किया है, सोचा है कि किस तरीके से मैं काम करने वाले हूँ आगे, तो फिर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो अचीव हो सकता है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स. सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स मतलब कि आप सेल्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो आपके पास उसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं. सेल्स को बढ़ाने के लिए या तो आप क्वालिटी अपने प्रोडक्ट का इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर टू अपने प्रोडक्ट का प्राइस और ज़्यादा रीजनेबल कर सकते हैं, नंबर थ्री ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने रिजल्ट को जो आप सोच रहे हैं सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, आप वो फैक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से कौन सा अल्टरनेटिव सही रहेगा. तो वो एस्टैब्लिश करेंगे आप रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब कि कौन सा अल्टरनेटिव मैं चूज करूँगी तो सेल्स ज़्यादा प्रमोट हो सकता है रीजनेबल प्राइस करने से, या एडवर्टाइज ज़्यादा करने से, या क्वालिटी को बेटर करने से. तो ये सारा रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश करने के लिए
ऑब्जर्वेशन करूंगी नेसेसरी एक्टिविटीज को, जो भी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको मैं ऑब्जर्व करूंगी कि कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा बेटर होगा, किससे सेल्स ज़्यादा प्रमोट हो सकता है। और एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद मैं फोरकास्ट करूंगी फॉर दी एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इज कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्यूचर में हो, तो उसके लिए मैं फोरकास्ट करूंगी। अगर मेरे को फाइंड आउट हुआ कि मैं क्वालिटी अगर बेटर करती हूँ तो मेरा सेल्स प्रमोट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो फिर मैं उसी तरीके से प्लानिंग करूँगी, उसी तरीके से अपने काम को प्लान करके रखूँगी, मेंटल प्रोसेस करूँगी, सोचूँगी कि मैं ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कैसा मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ जिससे मेरा सेल्स बढ़ सकता है। ओके, मैनेजमेंट बिगिंस विद द प्लानिंग, मतलब प्लानिंग आपका सबसे पहला स्टेप होता है। व्हेन इन एडवांस इट इज वाइजली कंसिडर्ड व्हाट वर्क, क्या काम करना है, हु विल डू इट, कौन कब करेगा, कैसे करेगा, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक करना है, एंड व्हेन वर्क इज टू बी फिनिश, कब तक काम खत्म होना चाहिए, फॉर दी अचीवमेंट ऑफ दी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको ये सारा सोच के रखना है, मेंटल प्रोसेस करना है, कौन काम करेगा, कब काम करेगा, कितना काम करेगा और काम कब तक खत्म हो जाना चाहिए, आपने जो सोच के रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ये आप सोचते हैं तो वो आप प्लानिंग करते हैं। मेंटल प्रोसेस इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स द फ्यूचर फॉर थॉट इन द प्रेजेंट। प्लानिंग मतलब कि आप पहले से सोच को फॉर थॉट है में सोच के हैं कि पास्ट में आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं उसके बारे में आप प्रेजेंट में सोचते हैं कैसे काम करना है। प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क। प्लानिंग जरूरी है अगर आप अपनी रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं तो। अगर आपने प्रोसेस सोच के रखा है कि किस तरीके से काम करेंगे तो कुछ हद तक आप अपनी को कम देते हैं जो है फ्यूचर में। ड्यू टू प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर अंडरटेकन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। प्लानिंग की वजह से आप काम सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी सोच के रखा है कि किस तरीके से काम करना है और उसके बाद आप सही तरीके से स्टेप वाइज सोचे हुए तरीके से काम करते हैं। इट इज देयरफॉर बिकम्स इजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। वो आपको इजी हो जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। व्हेन मेनी अल्टरनेटिव्स आर फाउंड एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जब आपके पास ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, जैसा कि सेल्स प्रमोट करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव है। क्वालिटी बेटर करना, रीजनेबल प्राइस करना, एडवर्टाइज करना, वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं। तो प्लानिंग बिकम्स यूजफुल। प्लानिंग आपको मदद करता है सही बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए। हेंस प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन, इसीलिए उसको सिलेक्शन प्रोसेस भी बोला जाएगा। प्लानिंग इज अ बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस। वो एक बेस है क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके ऊपर ही आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डोनेटिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग है। तो दूसरे फंक्शन बेस 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 पे होते हैं, उसके बाद होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is a structure for assignment of the authority and responsibility among the individuals working for the achievement of the common objectives. Organizing क्या है? Organizing is जैसा आपने plan किया है कि किस तरीके से कौन कब कैसे काम करेगा, तो अब आपको काम जैसा आपने plan किया है वैसे आप काम करना शुरू करेंगे। तो काम जिसको देना है उसको आप असाइन करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सारे रिसोर्सेज, जो भी सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं,
ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी सारे रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको असेंबल करेंगे और सभी को ऑप्टिमम यूज करने के लिए आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आप कौन सा काम किसको दे रहे हैं, वो आप काम असाइन करेंगे, साथ में उसको अथॉरिटी भी देंगे. ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोग्राम एक्सेट्रा आर डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसी है, प्लानिंग है, प्रोग्राम्स है, किस तरीके से काम होगा, ये सारा आप डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग के टाइम पे. वाइल उसको एग्जीक्यूट करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कि आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन काम करेगा, किसको कितना अथॉरिटी दिया जाएगा, रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी सारे रिसोर्सेस हैं उनको असेंबल करके सही काम दिया जाएगा. द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट सेक्शंस. जो भी सारी एक्टिविटीज हैं, जो भी सारे काम बिजनेस में करने हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे, बांटेंगे डिफरेंट सेक्शंस को. जो भी सारे सेक्शंस, जो भी आपने स्ट्रक्चर बना के रखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो आपने बना के रखे हैं, तो वो अपने सारे बिजनेस के काम को आप डिवाइड कर देंगे डिफरेंट बिजनेस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में. जो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको आप काम डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. Business organization is the distribution of the authority and the responsibility among these sections, and the groups get clarified with the formation of organization structure. Issues like who will supervise, who will have the authority and responsibility of the work, interrelationship among the individuals, etc. ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्ट्रक्चर मतलब आप चार्ट हैं कि काम कौन करेगा, किसके पास कितना अथॉरिटी होगा, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना आपने उसको पावर अथॉरिटी दिया है, कितना आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कौन सुपरविजन का काम करेगा, किसका क्या रिलेशनशिप है, कौन किसको आंसरेबल होगा, कौन अपना काम जाके किसको सबमिट करेगा, वो एक तरीके का आप चार्ट बनाते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है. तो उससे क्लेरिफाई हो जाता है कि सारे ही सेक्शन के जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनका कौन सा अथॉरिटी है, कितना अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चार्ट से क्लियर हो जाता है. और वो चार्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के आप ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड पे रखेंगे, तो हर एक को क्लियर हो जाएगा, हर एक एम्प्लॉय को क्लियर हो जाएगा कि उसका कितना काम है और उसको कितना पावर दिया गया है. प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस. प्लानिंग को ब्रेन बोला गया है क्योंकि वो एक मेंटल प्रोसेस है, आप सोचते हैं काम कैसे करना है. व्हाइल ऑर्गेनाइजेशन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन जो है एक फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसा आपने सोचा है उसको आप एक फिजिकल फॉर्म देते हैं, तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर. The function of the brain, we are on page number 9. The function of the brain in the human body is to take the intellectual decision, while its implementation is done by the various organs of the body. जैसा कि brain human body में सोचने का काम करता है और उसको execute करने का काम दूसरे organ body के करते हैं, वैसा ही प्लानिंग के थ्रू आप मेंटल प्रोसेस करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, और उसको करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाले दूसरे फंक्शंस होते हैं.
In the same manner, the function of the planning in a business unit is to take the intellectual decision in order to implement the decision. Distribution of the work, authority, responsibility is delegated. ये काम को decisions जो आपने plan किया है उसको implement करने के लिए आप काम को distribute करते हैं, authority देते हैं, responsibility देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, delegate करते हैं. delegate करते हैं मतलब assign करते हैं among the employees को of the various department. जो भी सारे department है, सपोज प्रोडक्शन का काम है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को दिया जाएगा, सेल्स का काम है तो वो सेल्स के डिपार्टमेंट के लोगों को असाइन किया जाएगा. वी विल स्टॉप हियर टुडे. थैंक यू.